पिछले स्वतंत्र दिवस पर जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते रिलीज हुई थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। अब इस फिल्म का सीक्वल बनाए जाने की तैयारी है, लेकिन इसके साथ एक सरप्राइज भी है, क्योंकि इसमें जॉन के अपोजिट खूबसूरत दिव्या खोसला कुमार एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है। दिव्या ने साल 2014 में अनिल शर्मा की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से शादी कर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हालांकि दिव्या फिल्मों से एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी रही। उन्होंने यारिया और सनम रे जैसी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। अब वह एक बार फिर एक्टिंग में वापसी करने को तैयार हैं। एक सूत्र ने बताया कि डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने दिव्या के लिए इस बार एक स्ट्रॉन्ग किरदार लिखा है। बताया जा रहा है कि मिलाप ने सत्यमेव जयते 2 की कहानी लिख ली है और अब इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना है कि दिव्या के रूपरल पर्दे पर वापसी कितनी जोरदार रहती है और आपको जॉन अब्राहम और दिव्या की जोड़ी कैसी लग रही है। For latest updates, subscribe our channel and press the bell icon.